हे गाइस, गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ लूनी डेज। तो आज हम बात करेंगे बायोमेट्रिक के प्रोसेस के बारे में। सो देयर इज वन इम्पॉर्टेंट चेंज इन द बायोमेट्रिक प्रोसेस। अब आपको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट वेब फॉर्म्स के थ्रू लेनी होगी। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब आपको BIL अपलोड करनी पड़ेगी। जैसे ही आप BIL अपलोड करोगे, सिस्टम अपने आप ही इंफॉर्मेशन आपकी उठा लेगा और आपको ऑटोमेटिकली आपको डेट एंड टाइम देगा। पहले क्या था कि आप डेट एंड टाइम खुद सेलेक्ट करते थे और आप अपने टाइम के हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते थे, बट आपको अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। यस, दैट्स राइट। तो अब थोड़ी देर में हम जानेंगे बायोमेट्रिक के पूरे प्रोसेस के बारे में, बट इन द लास्ट वी विल शेयर सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड टू कंसिडर वाइल बुकिंग एन अपॉइंटमेंट। सो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, and also please like, share and subscribe this video before moving on to the process. So let's move to our screen to see the biometric appointment process. सबसे पहले हम इस लिंक पे जाएंगे, VFS biometric enrollment form है। यहाँ पे scroll करके हम नीचे जाएंगे, फिर हम यहाँ पे अपना VAC center select करेंगे। मैं अपने केस में New Delhi select कर रहा हूँ, और फिर हम डालेंगे number of applicants। यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 2, एंड फिर हम डालेंगे अपना मोबाइल नंबर, और फिर हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट अ बॉट, एंड देन वी हैव टू क्लिक ऑन गेट OTP। यहाँ पे मैंने OTP डाल दिया जो मेरे मोबाइल नंबर पे आया है, और ध्यान रखें कि ये आधे घंटे में एक ही बार OTP आएगा, तो एक ही अटैम्प्ट में आप अपना फॉर्म फिल करिए। नाउ आई विल क्लिक ऑन वैलिडेट OTP, और यहाँ पे मुझे बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। जैसे ही मैं BIL अपलोड करूँगा, ये उसमें से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ उठा लेगा, और मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल डालना है, और यहाँ पे फिर सेव का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं अपनी बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर सेलेक्ट करके अपलोड कर दूँगा यहाँ पर, और इसने एप्लीकेशन नंबर और जो नाम, डेट ऑफ बर्थ अपने आप ही BIL से निकाल लिया है, और यहाँ पर मुझे फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना होगा और ईमेल आईडी भी डालनी है। इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको राइट स्क्रॉल करना है, यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखेगा आपको, ये मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे अब सेकंड BIL का भी ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने एप्लीकेंट्स 2 डाले थे, तो यहाँ पे मैं सेकंड BIL लेटर भी अपलोड कर सकता हूँ। ऐसे ही सेकेंड एप्लीकेंट के केस में भी इसने नेम और डेट ऑफ बर्थ इन्फॉर्मेशन उठा लिया, और मुझे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है यहाँ पे। तो सेकंड एप्लीकेंट की भी इंफॉर्मेशन सेव करने के बाद मैं यहाँ एक्नॉलेज पे क्लिक करूँगा, और एक्नॉलेज पे क्लिक करते ही सेव करके एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद कंफर्मेशन स्क्रीन आएगी, तो लिखा है योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली एंड आई हैव गॉट वन रेफरेंस नंबर एज वेल। एज़ पर VFS आपको विद इन 5 वर्किंग डेज में अपॉइंटमेंट मिल जाएगी और मेल पर आ जाएगी, बट मेरे केस में मुझे जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स ही ईमेल आ गई। तो यहाँ पे आप ईमेल देख सकते हैं, मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी 2 जनवरी को, और मुझे 25 जन को ही अपॉइंटमेंट मिल गई है न्यू दिल्ली की। तो यहाँ पे उन्होंने VFS सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है न्यू दिल्ली का, और यहाँ से आप सेंट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी साथ लेके गया था, बट VFS में उन्होंने इसको चेक नहीं किया। और यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, लाइक दे मे नीड योर कोविड किट। तो आप देख सकते हैं मुझे 1 वर्किंग डे के बाद ही अपॉइंटमेंट मिल गई है। तो अब आपने प्रोसेस को तो देख ही लिया है, और जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सो उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। सो आपको ये PDF कॉपी अपलोड करनी होगी जो कि IRCC ने आपको दी है, स्कैन कॉपी इसमें नहीं चलेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आप एक BIL से एक ही बार बुकिंग कर सकते हैं, और अगर आपने जैसे अपॉइंटमेंट डेट टाइम पे आप पहुंच नहीं पाते वैक सेंटर, आपकी बुकिंग ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, और आप 5 दिनों के बाद ही फ्रेश बुकिंग कर सकते हैं। राइट, और आप अपनी अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी नहीं कर सकते और रीशेड्यूल भी नहीं कर सकते हैं। Now we will discuss documents to carry on your booking day. तो सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट कैरी करना होगा। The next document is your BIL, which is biometric instruction letter. उसके बाद आपको कैरी करना होगा प्रिंट आउट अपने अपॉइंटमेंट का, जो कि आपको आपके मेल पर आया है,
सो यू ऑल्सो नीड टू कैरी दैट प्रिंट आउट. अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो कैरी द कंसेंट फॉर्म, द लिंक ऑफ विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. इट्स नॉट मैंडेटरी टू हैव बट इट्स बेटर इफ यू कैरी द कंसेंट फॉर्म विद यू. ऑल्सो कुछ वैक्स सेंटर ड्यू टू कोविड रिस्ट्रिक्शंस दे मे आस्क फॉर योर कोविड सर्टिफिकेट ऑल्सो, सो इट्स बेटर टू कैरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एज वेल. सो प्लीज गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. थैंक यू. थैंक यू.